Assalamu alaikum everyone, this is my another vlog. तो आज के दिन है मेरा वीक ऑफ एंड दिस इज द ओनली डे जिस दिन मैं राइड पे जाता हूँ बिकॉज आई हैव द ओनली वन डे टू गो आउट ऑन माई बाइक. और सबको पता है कि जब भी हम राइड पे जाते हैं तो आपको मेन सिटी का ट्रैफिक तो हमेशा नजर आएगा. But with this traffic, me and my friend decided to go at Gulabji. क्योंकि यही एक जगह है जहां पर हम एक शानदार सी चाय ब्रेड के साथ खास पी सकते हैं. So चाय के साथ हमने काफी सारे बातें करी. And with lots of gossip, we decided to go Nahargarh today. And we are ready now to go. So now अब हम हमारी बाइक पे हैं और हम जा रहे हैं नाहरगढ़ की ओर. और नाहरगढ़ जाने के लिए आपको मेन सिटी में एंटर होना पड़ता है. और मेन सिटी में जब आप एंटर होते हैं तो आपको हवा महल दिखेगा. और हवा महल के अलावा अगर आप सबसे कॉमन चीज़ यहाँ पर देखते हैं मेन सिटी में तो आपको हर एक घर का कलर सेम नज़र आएगा जिसे हम पिंक कलर बोलते हैं. और इसी के नाम से हमारी जयपुर सिटी फेमस है जिसे हम बोलते हैं पिंक सिटी. और जब आप मेन सिटी के अंदर यानी कि पिंक सिटी में एंटर होते हैं तो आपको सबसे खास चीज कलर के साथ नजर आएगी जयपुर के ये बड़े बड़े दरवाजे जो कि अपने आप में ही बहुत खूबसूरत हैं. और जैसे ही आप पिंक सिटी से बाहर निकलते हैं यानी मेन सिटी से तो आपको नाहरगढ़ से पहले झलमल नजर आएगा. फिर आप आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको नाहरगढ़ का रास्ता नजर आएगा. सो ये है नाहरगढ़ का रोड. और अभी इस टाइम ये इतना खूबसूरत है और हर टर्न पे आपको एक शानदार व्यू देखने का मौका मिलता है. लाइक दिस At backside of me, this is Jal Mahal. Now we are going more up. और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड बढ़ते जाते हैं आपको और शानदार से व्यू नजर आते जाते हैं. लाइक दिस. और थोड़ी सी और ऊपर जाने के बाद आपको जल महल का प्रॉपर नजारा अच्छे से नजर आता है. अभी हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद आपको एक जगह नजर आएगी जहां से आप एक अच्छा व्यू कैप्चर कर सकते हैं. एंड एट द बैक साइड ऑफ मी दिस इज जल महल. नाउ वी आर अप साइड ऑफ द नाहरगढ़ एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द नाहरगढ़. और जो आप मेरे आगे देख रहे हैं यहाँ पर रंग दे बसंती मूवी का शूट हुआ था. And after that clip, now we both are moving to the palace of Nahargarh, जो कि मेरे बैक साइड में आपको जो दरवाजा नजर आ रहा है वो मैं उसकी मेन एंट्रेंस है. Now we are going at the Nahargarh Fort. But the thing is, we got the information ki hum tripod ke saath andar nahi ja sakte, so we decided to come back and just look at this view, guys. This is the Jaipur city. And look at the greenery.
दिस प्लेस। जब भी आप मॉनसून में आते हैं तो आपको और शानदार व्यू नजर आते हैं। हम वापस से नाहरगढ़ से नीचे की ओर उतर रहे हैं और जब आप नीचे की साइड जाते हैं तो आपको अगेन काफी ऐसे नजारे नजर आते हैं जो कि बहुत शानदार लगते हैं। लाइक दिस वन, लुक एट द ग्रीनरी एंड द व्यू ऑफ जल महल। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी वेंट दिस शर्मा लस्सी भंडार, जो कि हवा महल से, अगर आप हवा महल की साइड से आ रहे हैं तो ये आपको हवा महल के बाद मिलेगा और जहां पर आपको डिलीशियस कचौरी, मिर्च और आई डोंट नो व्हाट दैट वन, दिस इज कचौरी, गरम गरम कचौरी जो कि बन रही है, और दिस वन आई थिंक बड़े एंड द एक्चुअल नेम आई डोंट नो, और जब बन रहे थे देन वी बोथ डिसाइडेड कि भाई आज तो इसको खाते भी चलते हैं। देन वी ऑर्डर द वन बड़ा एंड द मिर्च। हियर आई एम विद द मिर्च एंड हियर इज माई फ्रेंड विद द बड़ा एंड अगेन वी स्टार्टेड हमारी बातें। द ओवरऑल राइड टॉक्स, और ये बहुत डिलीशियस है। अगर आप हवा महल से नाहरगढ़ जा रहे हैं तो यू शुड ट्राई एट वंस बिकॉज द टेस्ट ऑफ दिस मिर्च एंड बड़ा इज वेरी डिलीशियस। देन खाने के बाद हम वापस आगे निकले द हवा महल, और जैसे ही आप पिंक सिटी से बाहर निकलते हैं तो डोंट मिस द व्यू ऑफ हल्बर्ट हॉल। अगर आप हल्बर्ट हॉल के अंदर जाते हैं तो जितनी भी पुराने जमाने की चीजें हैं राजा एंड महाराजा की, वो सब आपको हल्बर्ट हॉल में देखने को मिलेगी। दिस इज म्यूजियम इन जयपुर एंड दिस इज वेरी नाइस। सो इस व्यू के साथ हम ख़त्म करते हैं हमारे ब्लॉग को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।